हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम अर्तुल गाजी का एपिसोड 26 करने वाले हैं सीजन 2 का, ये देखते हैं। तेरी नेमतों का शुक्र है यार। अलाजेंट, अब मुझे इजाजत दीजिए। सोचता हूं क्या करूं, लोगों को मुश्किलात से बचाने की कोशिश करता हूं लेकिन कोई नहीं सुनता, थक गया हूं। फरसन, इस सफर में तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। लोगों से कोई उम्मीद न रखो, तुम मां, बीवी, भाई और तुम्हारे साथी कोई नहीं समझ पाएगा। बहादुरी यह है कि उन सबको अपने ख्वाबों में हिस्सेदार बना लो, और ये भी बहादुरी है कि अपने ख्वाबों का और अजाइम का गवाह बना लो अपनी कौम को। कभी ना उम्मीद मत होना तुम, क्योंकि जब इंसाफ का नम तुम्हारे हाथों सरबरंद होगा तो हर कौम उसके साए तले आने की तमन्ना करेगी। एक के बाद एक दुश्मन सामने आ जाता है, वो उसका वाहिल और आलम इस्लाम गिर चुके हैं। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ दुश्मनी तर्क कर देगी तो फिर तुम्हारी मौजूदगी की क्या अहमियत रह जाएगी। मतलब ये कि अपने अख्तार को फरामोश कर दिया आपने, क्योंकि दरहकीकत वो आपके ईमान और अकायद के खिलाफ चल। बहुत शुक्रिया, सुकून मिला है बहुत। कब मुलाकात होगी तुम्हारा? अभी कुछ इंतजार करना होगा, कुछ अरसे बाद हम साथ होंगे इंशाल्लाह। अपने इस लिबास को किसी पर जाहिर मत होने देना, दुश्मन की नजरें बद से बचाना बहुत कीमती है। शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। दुआ है जल्द मुलाकात हो आपसे इंशाल्लाह। आप बताओ अभी क्या खबरें लेकर आए हो? लाउदीन ने आर्टो कुछ नामी जासूस को इस जाने पर रवाना किया है। अगली बार तक जो उनके लिए मालूमात हासिल करना चाहता है मोहताद रहना तुम। यानी सुल्तान अलाउद्दीन को अभी भी ये लगता है कि वो हमसे छुटकारा हासिल कर सकता है और हमारे साथ वो खेल खेलना चाहता है। ठीक है, खेलते हैं फिर। तांगुत हमजा, सादतिन को बेगम मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। जी जरूर। हमजा, शिकार करना है तुम्हें। अर्तुगुश नामी एक गद्दार है, उसे मारना नहीं है, जिंदा चाहिए मुझे। समझ गए ना तुम? जैसा आपका हुक्म सरदार। हाँ, और अपने साथ अब्दुल रहमान को भी लेके जाना, लेकिन अगर उसने कोई चालाकी दिखाई। एक बात करनी है तुमसे। जी कहिए। वो मुश्तकिन ने अपना जंजू भेजा है, उनका कयाम बढ़ गया है। वो चाहते हैं कि तुम्हारे जंजू गुंजर कुल को कारवां सराय से ले आए। तुम जानते हो कि रास्ता कितना खतरा है। वो मेरे भाई की इकलौती बेटी है, वो उसको बहुत चाहते हैं। मैं जानता हूँ वालिदा, इसलिए मैं उसे खुद लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल परेशान मत हो आप, जल्दी लौटना। आज हमें गोचे का रिश्ता मांगने जाना है। वैसे तो अब गोचे कुल की भी शादी की उम्र हो रही है, वो भी खुश होगी शरीक होकर। फिर इंशाल्लाह उसके लिए भी रिश्ता ढूंढ लेंगे हम। मुझे पता है। की शादी के बारे
में तुम किसी से कोई बात मत करना, खामोश रहना। हमें सिर्फ अच्छी चले मेरी बच्ची, उठ जाओ। आइए सजा।
वापस ले।
हमजा, हम यहां अर्तुरुल भाई को ढूंढ रहे थे। गुजर गया वक्त, हमने अपनी जिंदगी उनके लिए दांव पर लगाई और उन्होंने हमारी इसी। अब भूल जाओ अर्तुरुल को और काम करो अपना। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना, मालूम करो वजीर अर्तुरुल कौन है और कहां मिलेगा हमें। सुल्तान अलाउद्दीन ने यकीनन कुछ सोचा होगा। हमारा मुकद्दर ऐसे सुल्तान के हाथ में है जो महल में बंद है। क्या सुल्तान कभी महल छोड़कर जंग में शरीक होते हैं? कोचा कोई अल्फाज आपके बाबा के तो नहीं। जो भी महल की जानिब देखता है उसे उबलता हुआ लावा नजर आता है जनाब। उस पार भी देख सकती हैं। काश के अपने पापा की आजान भी देख सकती हैं। बात सुनो, नौयान बहुत भरोसा करता है, मैं भी भरोसा करता हूं उस पर। तुम्हें जल्द उसकी काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। हाँ। भाई,
सांप के बिल में घुस गया है। मुझे उम्मीद है वो खतरे से बर वक्त आगाह करता रहेगा। अच्छा। लेकिन क्या मालूम कि वो जिंदा भी है कि नहीं भाई। अगर वो रोयान का एतमाद हासिल ना कर सका और किसी मुश्किल में फंस गया फिर ये मालूम करने की एक ही सूरत है और यही करूंगा मैं। तो फिर फौरन चलना चाहिए हमें। नहीं अभी नहीं दुर्गत, नोयान पे हमले से पहले उसकी हर कमजोरी के बारे में जानना होगा हमें। हमारे पास अब कबीले की हिमायत नहीं है। तुम लोग बताओ गद्दार का मालूम हुआ कुछ? अभी नहीं भाई, कोचा लाश पे शक था लेकिन उसे तो हमने खुद मंगोलों से बचाया। उनका हर कदम जान लेंगे। Thank you.
कैसे आई हैं तुम? सुना, हलीमा सुल्तान ने तुम्हारा ताकुब किया और तुम दोनों को पता ही नहीं चला। माफ कर दे भाई।
ठीक तो होना कोचा कोई जी ठीक हूँ मैं। तुम तक भाई अगर वक्त पर नहीं पहुंचते तो जाने क्या हो जाता। वाल क्या हुआ था नयान क्या विधि क्या जी बाबा सरदार कुलकुट आओ कोचा कोई बैठ जाओ यहाँ। नयान के फालतू थे हम सर अब्दुल रहमान की कयादत कर रहे थे। अर्जुन यहाँ नहीं है लेकिन उसकी गलतियां हमें आहिस्ता आहिस्ता जलाती जा रही है। मकसद क्या था उनका और वो भी वहां थे जी। तो बेटा उनकी जान भी तुमने बचाई है क्या। ऐसा ही है बाबा। तो फिर उन्हें यहां लाना चाहिए था ना। वो पहले हाइमा भुक्ति से मिलना चाहते थे हालांकि उनकी जान मैंने बचाई और वो वहां चले गए। और ताक में मिलने आपसे नहीं आए बाबा। तो हम चल के अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। भाई जब दोनों कबीलों ने अपनी किस्मत आपस में बांट ली है तो
किसी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। खुशामदी आर्तो कुश भाई, गोलगुत साहब मैं यहाँ आकर खुश नहीं। जितना भी सुना मैंने वो सब परेशान कुन और गौर कलम है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी गलती की इस्लाह करेंगे। आप किस गलती की बात कर रहे हैं आर्तो कुश साहब? अर्तुर को कबीला बदल कर दो। बताया वो सब हर्फ बहर्फ दुरुस्त था। नोयांग का मकसद जंग से पहले हमारे जंगजुओं को थकाना है, इसीलिए मैं यहाँ कबीलों का मुआयना करने के लिए आया हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि नोयांग हर कबीले के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, और दो बड़े कबीलों से वो खुद जाती तौर पर निमट रहा है। आने वाला मौसम दुश्वार तरीन है। सिर्फ अर्जे रूम की लहू जमाती सर्दी से ही नहीं, नोयांग के दाव पेच और चारों से आप लोगों के दिलो दिमाग काम उठेंगे। ये जिम्मेदारी आप लोग अहल अफराद के हवाले करेंगे, ताकि सुल्तान अलाउद्दीन आप लोगों की तरफ से बेफिक्र हो जाए। तो जिस शख्स ने आपकी जान बचाई क्या वो इस जिम्मेदारी का अहल नहीं है जनाब आर्तुकुश? अगर मुझे लगता कि तुम में अहलियत नहीं तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, नोयांग जैसे सफाक आदमी से निपटना है तो हमें अर्तुरुल जैसे बहादुर की जरूरत है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लग रहा है मेरे को। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद तफसील से बात होगी। आज तो कुछ साहब आज मेरी औकात में मेहमान होंगे। जो आपका हुक्म सर। जगह मालूम पड़ेगी इसको अस्थी, अभी अस्थी सरदार को नहीं देता मैं जाता हूँ। अब बस जल्दी आ जाए, मजा आ जाए। ये एपिसोड में दिल खुश हो गया, खुश गार्डन गार्डन हो गया फुल एकदम जबरदस्त है। जबरदस्त जबरदस्त फाइनली। वो दुर्गुण और इसका भी अच्छा था, भगवान का हलीमा हमारे तालको करे कोई करने तो प्यार करने के लिए जुड़ो भूल लेंगे हम कहीं। वो जैसे अर्जुन को तो ना सुना दुर्गुण हलीमा जरा हंस रही है, अर्जुन भी समझ गया ये दुर्गुण भी हंस के निकला। बट अच्छा लगा, नहीं बहुत टाइम बाद एपिसोड मजा आया। मेरे को लगा कहीं वो अब्दुल रहमान लेकिन एक एक इनडायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा अर्तुल का अब्दुल रहमान का काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो आई थिंक सो फिर अर्तुल को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा, सही। बट अगर वो चला भी गया ना तो बहुत मतलब बोलते ना उसको पहले बहुत काम नहीं देखना पड़ेगा कि इससे क्या हम कर सकते हैं। बट मजा आ गया, बहुत मजा आया, जबरदस्त मजा आ गया। आपने बोला नहीं जिसने आपके उसको लास्ट था ऐसा सरदार भी वो भी ठीक है, और दूसरा अर्तुल के बारे में बोला कैसे? बोला तुम लोग क्यों निकाला कि उसको वो मजा आ गया। बहुत टाइम बाद बार एपिसोड मिला है, और देखते हैं गाइस सब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।